हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीआरबी डीजीपी एंड वेलकम टू माय फ्रेश न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का वीडियो होगा ना ही मोटर व्लॉगिंग, ना ही लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, ना ही कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो। आपको पता ही है मैं ये तीनों कंटेंट छोड़ के और एक कंटेंट करता हूँ। जो लोग मेरे नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता देता हूँ कि मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाने का भी सिलसिला शुरू किया हूँ, ठीक है, इन मोटर व्लॉगिंग स्टाइल एंड लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग। मतलब मैं मोटर व्लॉगिंग स्टाइल में ही मतलब मोटिवेशनल वीडियोज़ बताऊँगा या लाइफ रिलेटेड स्मॉल कोट्स के ऊपर एक ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ताकि जो जो सिचुएशन ख़राब हो सकता है, ठीक है। देखो, लाइफ हम लोग ही चाहे तो ख़राब कर सकते हैं और चाहे तो अच्छा कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स इन आवर हैंड, हम लोग का हाथ में है, चाहे ख़राब करेंगे चाहे अच्छा करेंगे, टोटली हमारे हाथ में। तो चलो गाइस, अगर आपने मेरा, अरे यार ट्रैफिक है क्या व्लॉग, अगर आपको मेरा गाइस वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको मेरे चैनल का लेटेस्ट वीडियो से नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली मिलता रहे। तो अभी मैं MMC क्वार्टर के अंदर से निकल रहा हूँ गाइस, और कड़क धूप है गाइस। समर के टाइम सोचा था कि सुबह सुबह ब्लॉग करेंगे, सुबह में भी कड़क गर्मी है गाइस। हाँ, तो गाइस आज का जो वीडियो होगा गाइस वो है कि व्हाई फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। गाइस, आप लोग को तो पता ही होगा कि ये टॉपिक बहुत ही फेमिलियर हो गए, ठीक है। तो आपको तो पता ही है कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस मैन, ठीक है। मैं यही चीज़, यही टॉपिक के ऊपर आज को बात करेंगे। ऐसे आपको हज़ार और वीडियोस मिल जाएंगे फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस, बस इन मोटर व्लॉगिंग स्टाइल में आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा। तो ये पहला चैनल है यूट्यूब पे मेरा जो कि मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ इन मोटर व्लॉगिंग स्टाइल। तो चलो वीडियो पे स्टार्ट करते हैं, वीडियो पे फोकस देते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो था कि भाई फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। तो गाइज, लाइफ में अगर हम लोग को फेलियर होता है, ठीक है, हम लोग को फ्रीक्वेंट बेसिस पे फेलियर होता है। ऐसा नहीं कि लाइफ में अगर मुझे, मान लो फॉर एग्जांपल, मुझे बहुत बड़ा बाइकर बनना है, रेसर बनना है, एक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है, एथलीट बनना है, ठीक है, कुछ भी चीज़ बनना है, डांसर, सिंगर, कुछ भी बनना है, तो इनिशियल कैरियर का स्टेज में तो भाई फेलियर ही रहेगा ना गाइज। फेलियर रहेगा तभी तो हमें सक्सेस मिलेगा, एंड फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ मैन, ठीक है। फेलियर्स अगर मान लो किसी को फ्रीक्वेंट बेसिस पे फेलियर हो रहा है, ठीक है, और वो सोचा कि गाइज नहीं, अब बहुत हुआ, अब मैं ये काम नहीं करूँगा, तो वो सबसे बड़ा, मतलब क्या बोलूँ, सबसे बड़ा गलती करेगा लाइफ में, ठीक है। फेलियर ही गाइज एक ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग को सक्सेस मिलेगा। फेलियर अगर आपके लाइफ में हो रहा है तो आप समझना कि मेरा लाइफ सही चल रहा है। अगर फेलियर नहीं हो रहा है, इनिशियल स्टेज पर आपको सक्सेस मिल रहा है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता गाइस, ये डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन फेलियर होना तो भाई मैं तो बोलूँगा इट इज़ अ पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स सक्सेस मैन, पूरा पॉजिटिव साइन है टुवर्ड्स सक्सेस, पॉजिटिव साइन है टुवर्ड्स सक्सेस। फेलियर होना मतलब लाइफ में मान लो कि कुछ अच्छा होने वाला है या सक्सेस होने वाला है, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया चीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लूँ मुंबई कर निखिल, ठीक है, या बड़े बड़े जो व्लॉगर है, भाई मैं मुंबई का निखिल को ही पकड़ूंगा बिकॉज ही इज़ माय इंस्पिरेशन गाइस। तो मुंबई का निखिल जब नहीं, वो इंसान है, अगर जिसको पता नहीं मैं बोल दूँ, मुंबई का निखिल वो इंसान है जो व्लॉग कल्चर इंडिया में लाया है, ठीक है ना गाइस। तो वो तो मुंबई का निखिल सर जब वीडियोज़ बनाते थे एकदम अर्ली स्टेज, मतलब मान लो 2014-15 में, ठीक है, तो उस टाइम पे व्लॉगिंग तो कल्चर इंडिया में था ही नहीं। वही वो मुंबई का निखिल इज़ ओनली ब्रॉट व्लॉगिंग कल्चर इन इंडिया। तो गाइज वो जब एक कुछ नया चीज़ करेगा, कर रहा था, तो उसको कितना मतलब फेलियर मिला होगा गाइज। सब लोग कैसे कैसे क्रिटिसाइज किए होंगे कि भाई क्या कर रहा है कैमरा लेके, कुछ नहीं होगा, जॉब कर लेता, कुछ और कर लेता गाइज, तो समझ रहे हो ना। उसके बाद मुंबई का निखिल आज को जो जगह पे पहुंचा है, मुंबई का निखिल सर आज को जो हाइट पे पहुंचे हैं, ठीक है, वो तो हम सभी को आज को पता है गाइज। तो इसीलिए बोलता हूँ ना गाइज कि फेलियर पहले तो होगा फिर सक्सेस मिलेगा। तो फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। और एक मैं चीज़ आपको बोलना चाहूँगा गाइज कि फेलियर अगर हम लोग को होता है तो हम लोग का इंडियन मिडिल बॉय या इंडियन आदमी का मेंटेलिटी है कि हम लोग उस चीज़ को छोड़ देते, इग्नोर करते, दूसरा चीज़ में फोकस करते, वही लाइफ का सबसे बड़ा गलती होता है। अगर फेलियर हो रहा है, अगर हमें फ्रीक्वेंट बेसिस पे फेलियर हो रहा है, तो हमको खुद ही फाइंड करना होगा कि हम लोग उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। मतलब हम एक चीज़ में बोलना चाहूँगा कि एवरी फेलियर हैज़ पॉजिटिविटी हाइड इन इट, मतलब हर एक फेलियर में पॉजिटिविटी छुपा होता है, मतलब एक पॉजिटिव लेसन छुपा होता है, ठीक है, ये होता ही है भाई। अगर आपको किसी को फेलियर हो रहा है तो उसका अंदर उसको पॉजिटिविटी का चैप्टर या पॉजिटिविटी का लेसन मिल ही जाएगा उसी फेलियर का अंदर। बस जो इंसान हार्डवर्क है, मेहनत करेगा, ठीक है, अपना फेलियर को रेक्टिफाई करने के लिए, उसी को वो पॉजिटिव चीज़ और पॉजिटिव चैप्टर या पॉजिटिव लेसन उस फेलियर से मिलेगा जो कि उसके साथ हुआ था, ठीक है। तो यही बात है, वही जो मैंने बोला, जैसे मान लो कोई एक एथलीट है, ठीक है, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत ही रिनाउंड पर्सन है, ठीक है, हमारे इंडिया का प्राइड है, वो है विराट कोहली।
तो भाई सब कोई जानते हैं विराट कोहली कहाँ से कहाँ पहुँचा है, ठीक है। विराट कोहली का जो रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाया है या विराट कोहली ने जो रिकॉर्ड्स बनाया है वो तो सभी को पता है और सबके सामने खुला हुआ है, जाके एक बार गूगल करके पता कर लेना गाइस, ठीक है। तो वो कैसे बनाया, वो कॉन्टीन्यूसली, मतलब विराट कोहली को क्या ऐसा नहीं हुआ है, विराट कोहली को क्या पहले फेलियर नहीं मिला होगा गाइस? इनिशियल स्टेज में सबको फेलियर मिलता है एंड फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ मैन। तो उन्होंने क्या किया, फेलियर के बाद उन्होंने कड़ी मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया। उन लोग, उनका मैंने इंटरव्यू भी देखा था कि ठंडा का टाइम भी, विंटर वेकेशन में भी वो सुबह को उठ के 3-4 बजे जाके प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, और दूसरे बच्चे सोए रहते थे। तो उनको सक्सेस नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? पहले उनको फेलियर मिला, उन्होंने कड़ी मेहनत किया, उसके बाद जाके आज को उस जगह पे पहुंचे। एंड मुझे विराट कोहली का एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि लाइफ में वो कभी भी मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड, इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। वो उनके अंदर में जो हंगर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हंगर टुवर्ड्स गोल इज़ मतलब 100% नेसेसरी। मतलब अगर आपका भूख है आपका गोल के तरफ तो उधर आपका भूख हमेशा कभी ख़त्म ही नहीं होना चाहिए गाइस। आपका जो ड्रीम है उधर में कोई भी इंसान का हंगर कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए गाइस, यही मैं बोलना चाहूँगा। तो आई गेस आपको थोड़ा सा ये मेरा मोटर ब्लॉगिंग स्टाइल में मोटिवेशनल वीडियोज़ अच्छा लगा होगा गाइस। तो गाइज़ मैं होप करता हूँ आपको मेरा ये मोटिवेशनल वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, इन मोटर ब्लॉगिंग स्टाइल। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू किया हूँ इन मोटर ब्लॉगिंग स्टाइल, अभी यूट्यूब पे कोई नहीं करता, मैं कर रहा हूँ। तो मैं होप करता हूँ आपको ये वाला मोटिवेशनल वीडियो गाइज अच्छा लगा होगा, जो कि था व्हाई फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। तो जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया है कि लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो पहले आपने वीडियो देख ही लिया है। तो गाइज चलो व्लॉग रैप अप करते हैं, साइनिंग ऑफ करते हैं। सो गाइज साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई टुडेज व्लॉग, राइड सेफ, राइड हार्ड, अर्न मनी, बी हैप्पी, चेज योर ड्रीम एंड मेक अदर्स हैप्पी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आप मेरा वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जैसा कि देख सकते हो गाइज पूरा मतलब पूरा धूप है, धूप में वीडियो शूट करना पड़ा है, और देख सकते हो जैसा कि मेरा पीछे मेरा स्कूटर चीता है। तो चलो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।